भारत सरकार ने 3 खेती बिल जिहड़े सी जिन्हां दे अगेंस्ट अंदोलन चल रहा सी बहुत वड्डा, वो 3 खेती कानून रद्द कर दिते। और खुशी वाली गल है, और खुशी वाली गल यह भी है कि इन्हां बिलां नूं रद्द करन दी जिहड़ी अनाउंसमेंट भारत सरकार वल्लों कीती है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वो दीन दुनिया दे वाली धन धन साहिब श्री गुरु नानक पातशाह जी के प्रकाश पुरब वाले दिन कीती है। खुशी दी ए गल है खेती कानून रद्द होना और इहदा ऐलान गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह दे प्रकाश पुरब वाले दिन करना। साडी जिहड़ी चिंता सी ओह इहो सी कि अंदोलन दे विच कुछ धिर अजिहियां भी सन जिहड़ियां सिख सोच नूं, सिख निशान नूं, सिख फलसफे नूं, सिख इतिहास नूं, सिख सेंटीमेंट नूं दरकनार कर रही सी। ते कुछ अजिहियां धिरां भी सी जिहड़ियां किसानी दे इस मसले नूं सिख वर्सस भारत सरकार बनाउण दा यतन कर रही सी। और सिख वर्सस भारत सरकार ही नहीं बल्कि सिख वर्सस हिंदू बनाउण दा कुछ यतन जिहड़ा है वह किया जा रहा है, जिदे बहुत वड्डे आने वाले समय के नुकसान भी सानू कौमी तौर के उत्ते झलने पैने से, और ये साडी चिंता टली। मैं भारत सरकार का खास तौर के उत्ते प्राइम मिनिस्टर साहब का, उन्हां दी समुची कैबिनेट का तह दिलों बहुत धन्यवाद करदा कि उन्होंने एक आने वाले समय के साडे ते जिहड़ी कौमी विपता जिहड़ी सानू दिखाई दे रही सी कि जिस किस्म का माहौल बन रहा आएगी उन्हों टालिया, क्या कह दिए कि अकाल पुरख की कृपा नालों टली है। क्योंकि असी हमेशा ही चाहते हैं कि भारत के अंदर सिख जिहड़े है वो एक वधिया ढंग दे नाल गुजर बसर करदे जिंदगी जिउण, और हिंदू सिख का रिश्ता मजबूत सी, मजबूत है ते मजबूत ही रहे। इहदे लई असी हमेशा ही यतनशील रहे हैं, यतनशील रहांगे। ते इह खेती नाल संबंधित जिहड़े 3 कानून सी इहनां दे विरोध दी आड़ दे विच भाईचारक वंडियां पाउण दे भी यतन जिहड़े है वह हो रहे सन कुछ शरारती धिरां वल्लों। कुछ ऐसियां भी धिरां सन जिहड़ियां इहनां खेती कानूनां ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਧਰਾਤਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ खेती कानून बिल रद्द ही नहीं होए बल्कि एक बहुत वड्डी साडी विपता जिहड़ी है वह दूर कीती है। ठीक है, इस अंदोलन के दौरान कुछ जाना गईयां ने, उन्हां दा अफसोस है हमेशा रहेगा। बहुत वड्डी तादाद दे विच इस अंदोलन दे विच जे किसी का पैसा खर्च होया तो वह सिखां दा पैसा खर्च होया, विदेशी सिखां दा पैसा खर्च होया, ते बहुत वड्डी तादाद दे विच जे इस अंदोलन दे विच लोग शामिल होए ने तां ओह लोग शामिल होए ने जिहड़े सिख सेंटीमेंट नाल जुड़े, सिख परिवार है, सिख लोग है। सिखां ने इस अंदोलन दे विच जी जान दे नाल तनदेही दे नाल अपना योगदान पाया, चाहे वह किसी भी रूप दे विच आर्थिक मदद दे रूप दे विच, शमूलियत दे रूप दे विच। और इहो ही कारण है कि भारत सरकार ने अज गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दे प्रकाश पुरब वाला दिन चुनिया है ऐलान करन दे लई खेती बिलां नूं रद्द करन, क्योंकि भारत सरकार भी समझदी है कि सिख इन्हां कानूनां तों बहुत वड्डी तादाद दे विच निराश ने, खास तौर पर जिहड़ी किसानी नाल जुड़े मजदूर ने। इस अधोसंरचना को बढ़ाने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड प्रावधित किया गया, जिस पर काम प्रारंभ हो गया है, अनेक संस्थाओं को इसका लाभ मिलने लगा है। फिर नीम कोटिंग यूरिया हो, चाहे हमारा सॉयल हेल्थ कार्ड 22 करोड़ किसानों को देने का मामला हो, इन सब दृष्टियों से खेती और किसानी को लाभ पहुंचाने का प्रयत्न
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया गया। प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि किसानों के जीवन में जो बंदिशें हैं उनको खोला जाए। इस दिशा में अनेक कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने लंबे समय तक अध्ययन किया और इसके परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री जी कृषि सुधार की दृष्टि से 3 कानून लेकर आए जिनको लोकसभा और राज्यसभा ने पारित किया। उन कानूनों का लाभ निश्चित रूप से किसानों को मिलने वाला था और उन कानूनों के पीछे प्रधानमंत्री जी की साफ नियत थी कि किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आए। लेकिन मुझे दुख है कि इन कानूनों का लाभ हम देश के कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हो पाए। मैं इस अवसर पर उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारे साथ मिलकर, कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, किसान संगठनों ने इन लाभों को समझाने की कोशिश की। मैं निश्चित रूप से उनका बहुत आभारी हूं। प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस बात की कोशिश की थी कि इन सुधारों के बाद देश के कृषि क्षेत्र में बदलाव आए, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके कारण कुछ किसानों को इन कानूनों में आपत्ति दिखाई देती थी। यद्यपि तर्क के साथ हम लोगों ने चर्चा का रास्ता अपनाया, उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हम सफल नहीं हुए। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर इन 3 कानूनों को रद्द करने, रिपील करने का जो निर्णय किया है वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। प्रधानमंत्री जी यही नहीं रुके, साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने आज यह भी कहा है कि 0 बजट खेती हो, MSP हो और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का विषय हो, इन सब पर एक समिति बनाई जाएगी। इस समिति में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसान, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री ये सब उस समिति में रहेंगे। यह समिति MSP को प्रभावी और पारदर्शी बनाने की दिशा में और बाकी विषयों को समेटकर अपनी रिपोर्ट देगी। वह रिपोर्ट आने वाले कल में किसानी के क्षेत्र में लाभप्रद होगी, ऐसा मुझे विश्वास लगता है। और इस दृष्टि से आज प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय किया है यह उनके बड़प्पन और किसानों की भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता का परिचायक है। मैं इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। मैं इसके लिए उनके इस कदम का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यद्यपि शुरू से ही इस संबंध में एक बड़ा समुदाय ऐसा था जो एक इस बात को मानता था कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कानून महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। लेकिन उस सब के बावजूद जब कतिपय किसान संगठन इसके विरोध में आए थे, सरकार ने हर स्तर पर संवाद बनाने का प्रयास किया। ये हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो कि हम लोगों ने अपनी बात को उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं ना कहीं विफल रहे। आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है और ऐसे पवित्र दिन के ऊपर देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की बड़ी खुशखबरी देना, एक पवित्र खुशखबरी देना आज गुरु नानक देव जी के इस प्रकाश पर्व को और खुशियों भरा दिन बनाती है। किसान बहुत समय से, 1 साल से सड़कों पर थे और ये बहुत बड़ी उनकी मांग थी, लेकिन आज के दिन उसको मानना और गुरु नानक देव पातशाह जी के पवित्र दिन वाले दिन मानना, ये मुझे लगता है कि और भी बड़ी खुशखबरी है। मैं देशवासियों को बधाई देता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी को ऐसे दिन पर इन 3 कानूनों को वापस लेने की जो बड़ी बात कही गई उसके लिए उनको, उनका धन्यवाद भी करता हूं और उनको बधाई भी देता हूं। आज
मोदी ने तीनों काले कानून वापिस लेने का ऐलान किया है, जिसके लिए आप बहुत लंबे समय से लड़ रहे हो और जगह जगह से फोन भी आ रहे हैं। साथियों, सबसे पहले तो हम उन 700 से ज़्यादा किसानों को श्रद्धांजलि देना चाहेंगे, उनके आगे सल्यूट करना चाहेंगे जिन्होंने इस आंदोलन में कुर्बानियां दी और जिसकी वजह से ये आंदोलन आज तक चल रहा है और जिनकी वजह से आज देश का, दुनिया का सबसे हठी आदमी आज झुका है। सभी आंदोलनकारियों को बधाई देना चाहेंगे, धन्यवाद करना चाहेंगे जिनके ऊपर मुकदमे हुए, जिनको लठ लगे, सिर पड़वाए। हमारी माताएं बहनें भी आंदोलन में जो है वो आगे रही, उन सभी आंदोलनकारियों को का धन्यवाद करना चाहेंगे। लेकिन साथियों, अभी तक MSP पे कोई बात नहीं हुई है। अभी तक लोगों पे हरियाणा के अंदर 48,000 लोगों पे मुकदमे दर्ज हैं, उसके बारे कोई बात नहीं हुई है। बिजली बिल पे कोई बात नहीं हुई है और कई मुद्दे और ऐसे हैं जो हमने सरकार के आगे रखे थे, जैसे इन्होंने हरियाणा में जमीन अधिग्रहण का और कर दिया है। तो कुल मिला के ये है कि इसके बारे मीटिंग की जाएगी, संयुक्त मोर्चे की मीटिंग होगी और संयुक्त मोर्चे की मीटिंग के बाद ही हम कोई फैसला ले पाएंगे। और जब तक संसद में ये पास नहीं हो जाते तो तब तक हमें हो सकता है वेट करना पड़े, लेकिन ये कुल मिला के जो फैसला है वो संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में लिया जाएगा, बहुत जल्दी मीटिंग बुलाई जाएगी। फिलहाल हम सभी आंदोलनकारियों का धन्यवाद करते हैं, उनका सल्यूट करते हैं जिनकी वजह से मोदी को अपना सिर झुकाना पड़ा है और आगे के जो भी प्रक्रिया होगी वो अपनी कमेटी के बीच में रख के, अपने SKM की मीटिंग के बीच में रख के उस पे अगला निर्णय लिया जाएगा। खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज समुची मनुखता नु, समुचे गुरु नानक नाम लेवा नु, गुरु नानक पातशाह दे प्रकाश पुरब दी लख लख वधाई देना। अज एक जॉइंट डेलीगेशन जेदे च सरना साहब, अकाली दल दिल्ली और जागो पार्टी वालों असी अज करतारपुर साहब जा रहे सी और करतारपुर साहब जाके सरबत दे भले दी अरदास करनी सी, किसान भरावां दी अरदास करनी सी। गुरु ने बख्शिश की है कि असी हले लैंड कीते आ एयरपोर्ट ते और सानू खबर मिल गई कि अज मुल्क दे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों कानून जिहड़े किसानां दे वापस लै लए। मैं समझदा कि इस तो वधिया तोहफा किसानां नूं नहीं मिल सकता। लोग इस नूं सिखां दी लड़ाई कहते सी, मैं कहता सी इह देश भर दे सिखां दी लड़ाई है, इस देश भर दे किसानां दी लड़ाई है। और मोदी साहब नूं मैं खास तौर पर धन्यवाद करना चाहना वा कि हमेशा साढ़े जितने भी मसले से हल किए, यह मसला कुछ ऐसा बन गया से किसानों का, क्योंकि पंजाब एक किसानी सूबा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जरा फैसला लिया, मैं जिथे उन्होंने बधाई दिना, उन्होंने कैबिनेट को बधाई दिना, होम मिनिस्टर साहब को, पूरे मुल्क को बधाई दिना। और असं अच्छ करतारपुर साहब जाके अरदास करा बाबे नानक के चरणा कि जेडे काम लिए असं आ रहे थी, तुम आने को पहले ही सू खबर सुना दी है। मैं अरदास करा किसानों वास्ते, मनुखता वास्ते, हिंदुस्तान वास्ते, और हिंदुस्तान के शांति बनाए रखना, पंजाब की चढ़ती कला, हिंदुस्तान की चढ़ती कला की अरदास करांगे। सभी का धन्यवाद। हम आज हैं पालघर, ये पालघर है महाराष्ट्र में और ये पूरा आदिवासी क्षेत्र है। ये बिरसा मुंडा की धरती है पूर्ण रूप से। ये सब क्रांतिकारी लोग जो आदिवासी लोग हैं, और यहाँ से आप जाएंगे तो पालघर में पूरा जो चीकू की खेती होती है, जो धान की खेती होती है, हम उस बेल्ट में हैं। यहाँ पे भी सरकार बड़े अधिग्रहण कर रही है, बड़ी पॉलिसी सरकार लेकर आ रही है, उसके खिलाफ यहाँ पे आंदोलन है। और हम जो काका जी हैं इनके साथ में है, यहाँ के बड़े लीडर यहाँ के हैं, जो आदिवासियों के बड़े लीडर हैं, इन्होंने बड़े संघर्ष यहाँ पे किए 1974 से लेकर आज तक, ये आंदोलन यहाँ पे करते हुए आ रहे। रात इनके पास में हम वहाँ पे थे। और आज एक सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि तीन कानून हमने वापसी ले लिए। प्रधानमंत्री जी, तीन कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर पे टिकट लेकर नहीं जाएगा घर।
और एमएसपी की गारंटी आप दो, क्योंकि हम जहां पे है यहां पे किसी किसान की एमएसपी पे कोई खरीद नहीं होती। एमएसपी का सवाल देश का सवाल है पूर्ण रूप से, और आम जनता को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं, अभी लाड्डू मिठाई बांटने की जरूरत नहीं, ये संघर्ष अभी जारी रहेगा। आज हमारी संयुक्त मोर्चे की 9 मेंबरी कमेटी की मीटिंग है जो सिंगू बॉर्डर पे है, जो हमारा हेड ऑफिस है, उसमें पूर्ण रूप से फाइनल डिसीजन वे लेंगे, पूर्ण रूप से फैसला वहां पे होगा। तो आप सब चीज ध्यान लगा के रखें, हम पालघर में हैं, आज यहां से रात को हम आएंगे और सुबह ही वहीं बॉर्डर पे जो गाड़ी गाजीपुर बॉर्डर है उस पर हम रहेंगे। और यहाँ का जो आदिवासी क्षेत्र है हम इनकी भी बात कर लेते हैं, ये सब यहाँ पे है, जो काका जी हैं यहाँ के बड़े सीनियर लीडर हमारे हैं, हम इनके साथ में हैं। और जो ये आप देखोगे इन्होंने जो अपना एक आंदोलन का बना, इन्होंने बनाई भूमि सेना आदिवासी एकता परिषद, ये दो संगठन यहाँ के हैं, इनके दोनों के मोर्चे पे आज हम जाएंगे, यहाँ का जो एक बड़ा मोर्चा निकल रहा है उसमें शामिल होंगे, और यहाँ की इन आदिवासियों के, क्योंकि जब भी संयुक्त मोर्चे की कॉल होती है तो ये पूर्ण रूप से उसको फॉलो करते हैं। यहाँ के लोग दिल्ली के बॉर्डर पे गए हैं, यहाँ का जितना भी यूथ है दिल्ली के बॉर्डर पे जाता है, और ये भूमि सेना अपनी भूमि को बचाती है, इनका नारा है कि अपना गांव अपनी सरकार। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी सरकार अपने गांव में बनाई है, तो इनका धन्यवाद है सभी का, और जितने भी क्रांतिकारी साथी है सबका धन्यवाद है। और अभी कानून वापसी जब तक भारत सरकार पार्लियामेंट में नहीं लेकर आएगी, जब तक देश का किसान मानने वाला नहीं है, देश की महिलाएं मानने वाली नहीं है, देश का जो मजदूर है आदिवासी है वो मानने वाला नहीं है, तो इन सब का धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत, जय बिरसा मुंडे। बिरसा मुंडे की पूरी जमीन है, ये आदिवासी क्षेत्रों का है, और बिरसा मुंडा एक यहाँ के क्रांतिकारी योद्धा जिन्होंने आदिवासी क्षेत्र में काम करा, उनके प्रोग्राम में हम यहाँ पे आए, और धन्यवाद है सभी योद्धाओं का धन्यवाद है। आज जो पहचान है आदिवासियों की बिरसा मुंडे के आंदोलन से पहचान है, और हम उनको पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय आदिवासी समाज, धन्यवाद। देखिए, जो आज सुबह प्रधानमंत्री जी की स्टेटमेंट आई है, उनका जो बयान आया है, उसको हम तो गए हुए थे अपने खेत की तरफ, क्योंकि मैं पंजाब आया था दो रोज से, तो मेरे को जब फोन आया तो लोग बहुत बधाइयां देने लगे, खुशी की लहर है। लेकिन इस मैं समझता हूँ कि जो ऑर्डर किया है इसको इम्प्लीमेंट करें प्रधानमंत्री जी, सेशन में अपना सेशन बुला के, उसमें 29 तारीख को सेशन शुरू होने जा रहा है, इसमें वो सेशन में पहले रख के इसको रद्द करें तो अभी ये आंदोलन खत्म होगा। तो मैं समझता हूँ इसकी समीक्षा करेंगे बयान की, लेकिन इस बयान को सुनते ही पूरे देश के किसान में खुशी की लहर है। मेरे को अभी हरियाणा से फोन आए हैं, उत्तराखंड से फोन आए, बड़ी खुशी की लहर है इस बयान को सुनते ही। खेती विरोधी भारतीय जनता पार्टी की ताकतें आखिर में हार ही गई। आज मोदी जी के अहंकार की हार का दिन है। आज किसान विरोधी भाजपाई और उनके पूंजीपति मित्रों की ताकत की हार का दिन है। आज खेत खलिहान पूंजीपतियों को बेचने के षड्यंत्र की हार का दिन है। और आज, और साथियों, आज किसान मजदूर मंडी मजदूर और दुकानदार की जीत का दिन है। बड़ा दुख सी के किसान जेड़े है 1.5 साल तो लगातार सड़कां ते रुल रहे है, जेड़ा कि दुनिया दे ढिड भरन वाला किसान सी। अज इस महान उत्सव दे उत्ते माननीय प्रधानमंत्री ने जे संगतां दी पुकार नूं सुनिया, जे अज गुरु नानक साहब ने टुट के, मैं तो यह समझा कि गुरु नानक साहब ही टुटे है कि उन्होंने अपनी किसानी की लाज रखने वास्ते ये बख्शिश कर दिती कि अज उन्हां दे मन विच वस के ये कानून जड़े सी वह वापस कराए। जे कानून वापस होए है तो सारे अज सुख का साह लैणगे, बहुत सारिया मौतां हो गई, बहुत सारिया जाना चल गई, वह वापस नहीं आनगियां। बड़ा तशद्दुद चलिया, बड़िया डांगा खदियां, पानी दियां पछाणां चलियां, वह वापस नहीं होनगियां। मन की पीड़ा परिवारों ने चली है, वह मुड़के पूरी नहीं हो सकती। लंबा समा असी सड़कों ते रोले हैं, और समझो पंजाब दे विच सारे विकास ठप हो गए, पंजाब की भाईचारक सांझ नूं बड़ा खोरा लगा, आपसी कलेश वध गए, पार्टीबाजियां दे विच बड़े आपसी तनाव पैदा हो गए। ये सारिया चीज़ां दा कौन जिम्मेवार है?
यही कुछ तो पहला तो लैके असं कहते कि किसान नहीं चाहते कि ये तीन काले कानून लागू किए जा। तमाम किसानों के संघर्ष को सलाम, जिन्होंने इस संघर्ष में साथ दिता, पूरी दुनिया को इस संघर्ष में सपोर्ट मिली है वो सारियां नू सलाम, ते जिन्होंने अपनी जाना गवाइया शहीदियां दित्तियां उन्होंने शहादत को असी नमन करते हैं। पर बहुत देर लाती नरेंद्र मोदी सरकार ने इस चीज़ को समझते पर आखिरकार झुकना पड़ा क्योंकि संघर्ष में सच्चाई सी। जिन्ना मर्जी बदनाम करने की कोशिश की पर साडे वीर जिहड़े ने तुसीं देख सकते हो किस तरीके मोर्चे में अज भी भावें सर्दी हुई गर्मी हुई बरसात हुई झक्खड़ होया डटे रहे ते अज इन्हां दी जित हुई है। भारत के इतिहास में आज एक सुनहरा दिन है। आज का दिन भारतीय इतिहास में 15 अगस्त 26 जनवरी की तरह लिखा जाएगा। आज केंद्र सरकार को किसानों के संघर्ष के आगे झुकना पड़ा और तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। आज सिर्फ किसानों की जीत नहीं हुई है, आज जनतंत्र की जीत हुई है। आज किसानों ने सभी सरकारों को बता दिया जनतंत्र में सरकारों को हमेशा जनता की बात सुननी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ जनता की मर्जी चलेगी। मैं पंजाब और हिंदुस्तान के किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उनका लंबा संघर्ष कामयाब हुआ, अहंकारी सरकार उनके सामने झुकी और आज गुरुपुर्ब के पावन पवित्र अवसर पर ये जो तीन कृषि के काले कानून हैं वो सरकार को वापस लेने पड़े। मैं आज के मुबारक दिन पर उनको और उनके परिवारों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ और उनकी जीत एक बहुत बड़ा संदेश भेजती है देश के लोगों को कि जब आवाम लामबंद हो जाता है तो सरकारों को उस आवाम की आवाज के सामने झुकना पड़ता। मैं सरवण सिंह पधेर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी सूबा जन सकत्र बोलता दी जड़ी मीडिया के चैनलों रही जड़ी खबर की पुष्टि हो रही भी प्रधानमंत्री जी ने खुद ऐलान किया गुरु नानक साहब के पुरख से भी मैं तीन खेती कानून वापस लैन का मान बनाया। यह कहते पार्लीमेंट के जो वापस ले जाएंगे। दूसरा देखो यह ऐलान आ गया जो एम एस पी गरंटी कानून बना हाल ए फैसला होना वे ए भी कोई कमेटी की गल आ रही पुष्टि नहीं हैगी। तीसरा है बिजली सोध बिल 220। चौथा है पोल्यूशन एक्ट जड़े केस ने बाय प्रोडक्ट ने भी ठीक है लखीमपुर खीरी आ जा थोड़े सामने हरियाणा भी है मसले सारे ने। चलो पहली प्रतिक्रिया साड़ी इत्थे आ जो मीडिया राही आ रही है कि जे प्रधानमंत्री जी ने मन बनाया खेती कानून वापस लैन का तो चंगा निर्णय उन्हों का। दूसरे रूप च यह 135 करोड़ भारतीयों की जड़े ए शहादत दे गए ने किसान मजदूर उन्हां दी शहादतां वा जिहड़ियां रंग लैके आउणियां सी असीं सारियां मंगां वधाउण वाले पासे नूं वधांगे अगे। पर दूसरे बन्ने जिन्नी देर तक पार्लीमेंट विच इह कानून वापस नहीं हो जांदे ठीक है जी एम एस पी गरंटी ते कोई ठोस फैसला नहीं हुंदा बिजली सोध बिल जां पोल्यूशन एक्ट इह सारियां गल्लां ते साडी जथेबंदी अपनी जथेबंदी अंदर विचार चर्चा सूबा कमेटी च कीती जाऊगी। दूसरा इहदे नाल नाल दूसरा सारियां जथेबंदियां दी की आम सहमति बनती है यह आ फिलहाल जिहड़ी 26 दियां वड्डियां तैयारियां वा उह सानूं जारी रखणियां चाहीदियां वा। हाले सानूं पार्लीमेंट विच कानून वापसी दा इंतजार करना चाहीदा। सारे प्रोग्राम जिन्नी देर तक ठोस को फैसला हो नहीं जांदा सानूं सारे प्रोग्राम जारी रखने चाहीदे आ। इह चंगी गल है प्रधानमंत्री जे कानून वापस लै रहे आ ते बाकी एम एस पी दी गरंटी दा कानून भी बणाउणगे बाकी मंगां भी रखणगे। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਵਧਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।